मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं बच्चों में होने वाले एक फ्रैक्चर को आप सभी से डिस्कस करना चाहूंगा। उस फ्रैक्चर का नाम है सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस। यह बच्चों में कोहनी की हड्डी जो ऊपर से टूट जाती है, इसको हम सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस कहते हैं। मित्रों, ये अक्सर करके बच्चों में बहुत सामान्यता तौर पर फ्रैक्चर होता है। बच्चे अक्सर करके बेड से भी खेलते हैं और बाई चांस गिर जाते हैं, झूले पर झूलते हैं, गिर जाते हैं, और अगर उनका हाथ जमीन पर सीधे आ जाता है तो ये हड्डी सामान्यतः टूट जाती है। मित्रों, इस तरीके का जो फ्रैक्चर होता है, यह अपने आप में काफ़ी खतरनाक भी रूप अख्तियार कर सकता है। कारण यह है, इस फ्रैक्चर के साथ कॉम्प्लिकेशंस बहुत जुड़े होते हैं और इसका जो मैनेजमेंट है, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है, वो कई सर्जन्स अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से करते हैं। अब एनाटॉमी के तौर पर तो या आपको मेडिकल फील्ड की तरफ से बहुत डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बस आप इतना समझें कि जो यह कोहनी की हड्डी टूटती है, अब ये किसी भी प्रकार से कम टूटी हो, ज्यादा टूटी हो या बहुत बुरी टूटी हो, इन सब में मैं खुद अपना व्यक्तिगत वो चीज कह रहा हूं कि मैं सर जरूर से इसमें एक पिनिंग करता हूं। पिनिंग का मतलब होता है मित्रों कि एक तार इधर से डाला, एक तार इधर से डाला, क्रॉस पिन फिक्सेशन कहते हैं। क्रॉस इस सेंस में होता है जब तार ऊपर जाते हैं तो क्रॉस हो जाते हैं। मित्रों, इस स्पिनिंग के करने का क्या पर्पस है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मित्रों, जब भी इस तरीके का फ्रैक्चर आता है तो बच्चे की कोहनी ये का एक बहुत सूज जाती है, और जब यह सूजन आती है तो बच्चा अपने हाथ को बिल्कुल से भी हिला डुला नहीं सकता या वो बेतहाशा बहुत रोना शुरू कर देता है। कारण ये है, इस तरीके का फ्रैक्चर सबसे सामान्यतः 5 से 7 साल के बच्चों में मुख्यतः देखी जाती है। अच्छा, टूटने के बाद जो ये सूजन होती है, कई बार बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है, और जब ही आपको इस कोहनी के इर्द गिर्द ऐसी सूजन आए तो सबसे पहला काम है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, किसी भी अस्थि रोग विशेषज्ञ से मिलें। मित्रों, कई बार मैंने ये देखा है कि लोग जब अस्पताल आते हैं उसके पहले तक लोग इस पर हल्दी, प्याज, पट्टी, कोई कोई लोग सरसों पीस कर लगा देते हैं, ये सब बहुत गलत बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एक तो सूजन है और आप इसमें हल्दी या इस तरीके की गर्म चीज़ें जब लगा देते हैं तो बच्चों के हाथ में फफोला पड़ जाता है। अच्छा, इतने बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं, वो अपने आप में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। तो मित्रों, मेरा कहने का ये पर्पस है कि जब भी आपको कोहनी के इर्द गिर्द बच्चे को ऐसा लगे कि सूजन आ रही है, बच्चा बहुत रो रहा है या हाथ मूव नहीं कर पा रहा है, हिला डुला नहीं पा रहा है, तो आप जरूर अपने निकटवर्ती अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। देखें मित्रों, इस जैसा मैंने पहले भी कहा है, इसका जो मैनेजमेंट होता है हर डॉक्टर अपने हिसाब से करना चाहता है। कारण ये है, ये चीज़ प्लास्टर में भी आती है, ये ऑपरेशन से भी होके ठीक होता है। मगर मित्रों, बस मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं हर केस में, खासकर जो इस तरीके की कोहनी की टूटे की चीज़ होती है, उसमें पिनिंग जरूर करता हूँ, चाहे वो अनडिस्प्लेस्ड, मतलब फ्रैक्चर टूटे और टूटकर अलग ना हो, फिर भी उसमें पिनिंग करता हूँ। इसका कारण क्या है, मैं आपको बताऊं। देखिए मित्रों, ऐसा होता है कई बार बहुत छोटा फ्रैक्चर हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, प्लास्टर बांध दिया और बच्चे को घर भेज दिया। आप इतना बस समझें, जो बच्चा एक अच्छे कोहनी को तोड़ सकता है, वो आगे अनडिस्प्ले, जो टूट कर अलग नहीं है, उसको अलग करने में कितनी बदमाशी कर ले, मित्रों मैं आपको बता नहीं सकता। जहाँ तक देखिए मित्रों, इसको प्लास्टर में करने की चीज होती है तो प्लास्टर से भी आ सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मगर मैंने बहुत ऐसे बच्चों का ऑपरेशन किया जिन बच्चों का हाथ प्लास्टर में बहुत थोड़ा सा टूटा था, मगर जब वो जुड़ने के कगार पर आए
तो उनका हाथ जैसे देखिए मेरा हाथ ऐसे में बाहर है, उनका हाथ अंदर रहता है। हम लोग इसे क्यूबाइटस वेरस कहते हैं, मतलब हाथ का अंदर को भाग जाना। नॉर्मली हमारा हाथ बाहर की तरफ होता है मित्रों। फिर उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। अब उस तरीके का ऑपरेशन भी एक अपने आप में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब फ्रैक्चर है, चाहे वो माइल्ड ग्रेड में हो, मॉडरेट में हो या सीवियर ग्रेड में हो, हर कंडीशन में पिनिंग मस्ट है। कारण, पिनिंग हो जाने के बाद कोई फ्रैक्चर अपनी जगह से भाग नहीं सकता है, एक चीज। अच्छा, बच्चों में जब भी हम लोग इस तरीके की चीज को पिनिंग कर देते हैं, तो चूंकि उस समय सूजन होती है, सूजन के ऊपर जब हम प्लास्टर बांधते हैं और जब सूजन दवाइयां देने के बाद खत्म होने लगती हैं, तो प्लास्टर इतना ढीला हो जाता है कि 15वें दिन तक आप समझें कि ये प्लास्टर ऐसा लगता है हाथ से निकल जाएगा। उस समय हमारी पिनिंग उसे बहुत बचा कर रखती है। अच्छा, बच्चों के कंडीशन में खासकर मैं ये मानता हूं कि जब भी मैं इस प्रकार की पिनिंग करता हूं, तो मैं तारों को बाहर ही रखता हूं, तकरीबन 1 सेंटीमीटर तार बाहर रहे। देखिए मित्रों, इसका फायदा क्या होता है? मैं इस तरीके का 5 से 7 साल के बच्चों में जब भी इस तरीके का ऑपरेशन होता है, तो उसका सबसे नॉमिनल चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 5600 रुपए लेता हूं, 5600। अच्छा, इससे फायदा क्या है कि जो तार बाहर रखा जाता है, तो मित्रों जिस समय ये तार निकालना हो, उस समय आपको मात्र 200 रुपए में ये तार निकाल दिया जाता है। अगर इसी तार को मैं अंदर कर दूं, तो फिर बच्चे को बेहोशी देनी पड़ेगी, इसलिए इस तार को थोड़ा बाहर रख देता हूं। अब मित्रों, आपको व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, कई बार मैं बच्चों को तार बाहर रख के घर भेज देता हूं और प्लास्टर लगा देता हूं। बच्चों के प्लास्टर वैसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, 15 दिन बाद इतना भी ढीला नहीं होता है कि हाथ से निकल जाए। फिर जब हम लोग इन्हें 45वें दिन ये सारी प्लास्टर को निकलवाते हैं, तो कई बार मैंने देखा बच्चों के जहां पिन है, उस पिन के इर्द गिर्द एक घाव सा नजर आता है। अच्छा, मैं अपनी माता बहनों या अपने मित्रों से एक आग्रह करूंगा, आप इसे बिल्कुल मत घबराएं। इसे पिन ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब पिन ट्रैक का सेंस ये हुआ, जहां से तार है, चूंकि बच्चे घर में कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं, आप तो ये मान लीजिए, अगर आप एक हिस्ट्री ले लें कि 90% बच्चे, संभव भी नहीं है, माँ बाप कितना अपने बच्चे को 24 घंटे तो देख नहीं सकते हैं। अच्छा, सोना उठना और बच्चों की थोड़ी एक्टिविटी भी ज्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा पिन ट्रैक इन्फेक्शन कर लेते हैं। मगर हाँ, कुछ बच्चे संभाल के भी रखते हैं जो बिल्कुल ड्राई पिन ट्रैक होता है। तो मित्रों, बाहर रखने का पर्पस ये होता है कि निकलवाने में भी आपको पैसे ज्यादा ना देने पड़े और हमको भी आसानी रहे, क्योंकि ये फ्रैक्चर जब बच्चों में टूटता है, खासकर उन दिनों में बहुत टूटता है जब साहब ये अमरूद पेड़ पे आ जाते हैं, आम पेड़ पर आ जाते हैं। बच्चे अक्सर करके अमरूद के पेड़ों पर चढ़ते हैं, और मेरे मित्र आप तो जानते ही, अमरूद का पेड़ का तना बड़ा चिकना होता है और बच्चे सबसे ज्यादा वसी से गिरते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि थोड़ा बच्चे पेड़ ओढ़ पे कम चढ़ें, क्योंकि थोड़ा मैंने देखा है बच्चों के आंगन उंगन में पेड़ ओढ़ होते हैं, बच्चे चढ़ जाते हैं। अच्छा, निगाह आपने झपकी नहीं कि वो पेड़ पे चढ़ गए, गिर गए, रोना शुरू है, अब सीधे भागिए डॉक्टर के यहाँ। तो मित्रों, इस तरीके से इस कोहनी की हड्डी का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। अब इससे कुछ जुड़े सवाल हैं कि ये सर्जरी यदि सामान्य तौर पे 16 से 20 हजार में लोग करते हैं, तो आखिरकार 5600 रुपए में मैं कैसे कर देता हूँ? इसका एक कारण है मित्रों। कारण ये है कि सर्जरी जब बहुत डिफिकल्ट लोगों को लगती है, तो वो उसके दाम को ऊपर रखते हैं, बट ये फ्रैक्चर एक ऐसा है जो बहुत आसान मेथड है और डॉक्टर का इसमें कोई बहुत मेटलर्जी नहीं लगती है। मतलब कोई हमको बहुत प्लेट या कोई महंगा इम्प्लांट नहीं आता है, एक सिंपल के वायर आते हैं, एक के वायर को 2 भाग में कट किया, एक इस बगल से डाल दिया, एक इस बगल से डाल दिया। अच्छा, इसमें कोई टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, चूँकि इसमें कोई चीरा नहीं लगता है। ये चीज़ हम लोग एक सामान्यता आप समझें, दूरबीन जो नहीं कहते आपकी दूरबीन वाली मशीन, इसे सीआरएम कहते हैं, वही अंडर गाइडेड हम लोग ये तार डाल देते हैं।
अब बच्चों में भी जब ये पिनिंग हो जाए तो जैसे आम प्लास्टरों का हम लोग ध्यान देते हैं कि प्लास्टर भीगे नहीं, बच्चा हाथ चलाता रहे, बच्चा कंधे को भी चलाता रहे, वैसे बच्चों में ये बहुत कम होता है कि बहुत इस तरीके से कोई दिक्कत आ जाए तो बच्चा फिर भी हाथ चलाए और सोते समय भी या नहाते धोते समय तक इसमें बचाव करे। मित्रों, प्लास्टर लगे हाथ जो बच्चों के होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, बच्चों को बड़ी ईचिंग होने लगती है, तो अक्सर करके बच्चे प्लास्टर के अंदर कुछ ना कुछ डालना शुरू करते हैं, जैसे कोई पेंसिलिंग घुसे के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इनसे भी उन्हें टोकें। और सामान्यतः जिनकी पिनिंग हो गई और प्लास्टर ढीला भी हो जाता है तो हम उन्हें बुलाते नहीं है बीच में कि आपका कोई प्लास्टर चेंज कराना है, ऐसा कुछ कराना है। कारण ये है, जब तक कि घाव न हो जाए तो, क्योंकि घाव की तो ड्रेसिंग करानी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है मित्रों कि यहाँ से हड्डी फाड़कर बाहर निकल आती है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को 10वें दिन बच्चे के प्लास्टर को बदल करके एक बार ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है। मित्रों, सामान्यतः तो ये फ्रैक्चर आसानी से हम लोगों से ट्रीट हो जाता है, मगर कई बार ऐसा भी होता है इस फ्रैक्चर के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अब इन शॉर्ट बता रहा हूँ, जैसे ये जो चीज हड्डी टूटती है ये दो तरीके की इंजरी हो जाती है मित्रों। आगे आ गई तो हम लोग इसे फ्लेक्सन इंजरी कहते हैं, पीछे चली गई तो एक्सटेंशन इंजरी कहते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन इंजरी ही सबसे कॉमन होती है, मतलब ये जो हड्डी का पोर्शन ये पीछे चला जाए, और ये मानकर चलिए कि यह 80-85% एक्सटेंशन टाइप ऑफ इंजरी होती है। और मित्रों, बस इसको हम लोग अंडर गाइडेड, जैसा आपको बताया कि सीआर में खींचा और इसे लेकर बिठा देते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो मित्रों इसके साथ आती है वो अक्सर करके यदि सूजन बहुत ज्यादा आ जाए, तो यदि सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है या उंगलियां बहुत सूज गई तो मित्रों एक बीमारी हो जाती है, VIC कहते हैं, वॉकमैन इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, मतलब जिसमें बच्चे का हाथ जो होता है मुड़ना शुरू हो जाता है कुछ ऐसे। तो आप इसके लिए सजग रहें, जैसे बच्चे का बहुत सूजन आने लगा है तो, या उसकी नाखून नीले पड़ने लगे, या आपको उंगली थोड़ा सा ऐसा लगे कि सफेद होने लगा, इसे पकड़ना बड़ा आसान है मित्रों। कहने का मतलब है बच्चे का जो नॉर्मल हाथ है उसी के बगल में रख दीजिए। अच्छा, मैंने आप सबको व्हाट्सएप अपना नंबर दिया हुआ है, अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी शक होता है तो बच्चे के इस हाथ के बगल में उसका दूसरा हाथ रखा करके आप हमको फोटो भेज दें। इससे हमको बहुत हद तक ये पता चल जाता है कि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है या मुझे उसे पास में बुलाने की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों, ये है मरीज में, बच्चों में खासकर सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर। बड़ों में भी होता है, ऐसा नहीं कि सुप्राकॉन्डाइलर बड़ों में नहीं होता है, होता है, उनमें भी होता है, उनमें भी यही ऑपरेशन होता है, उनमें भी पिनिंग होती है, कई बार हम सबको प्लेटिंग भी करने की जरूरत होती है। बच्चों से थोड़ा उनके दाम ज़्यादा होते हैं, अगर बच्चे सामान्य 5600 में इस तरीके का ऑपरेशन होता है तो बड़ों में यही ऑपरेशन 10,800 रुपये में होता है। मगर मित्रों, ध्यान देने वाली बात है, बड़ों में जब ये चीज़ का फ्रैक्चर होता है तो हम लोग तार अंदर ही रखते हैं, क्योंकि बच्चे उतने जल्दी नहीं जुड़ते हैं जितना, माफ करें, बच्चे जितने जल्दी जुड़ जाते हैं उतना वयस्क जल्दी नहीं जुड़ते हैं, तो उनके तार अंदर रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की अगर निकलवाई भी लगती है तो 5600 रुपए लगती है। तो मित्रों, कहने का पर्पज ये है कि जब ही इस तरीके का फ्रैक्चर हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। जो मैंने बचाव पहले बताए हैं कि आप कभी भी उस पर कोई लेपन जैसी चीज ना करें, जितने जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुंचे, हाँ हो सके तो बच्चे के हाथ को इस तरीके से रख करके किसी गर्दन से, देखिए सामान्यतः घर में क्या मिल सकता है, घर में किसी का दुपट्टा मिल सकता है, बहन का कुछ भी, ये गर्दन में बांध कर ऐसे हाथ टांग दें और बस आप लेकर हमारे पास आ जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी फ्रैक्चर होता है तो मित्रों इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। आज के समय में ये एक अच्छाई है कि हम लोगों के पास CR में है तो बगैर चीरम फड़ाई के हम लोग सारी काम को कर देते हैं। तो मित्रों, ये है बच्चों में कोहनी के फ्रैक्चर का सफल इलाज का तरीका। बहुत बहुत